हाय एवरीवन, दिस इज बोनस और आज इस वीडियो बताने वाला हूँ आपको द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फिश। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जिसमें मैंने यहाँ पे एलैबोरेट किया हुआ है। ठीक है, जो आपको बताया हुआ है बहुत सिंपल वे में बताऊंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो नाम है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, लेकिन दो या तीन चीज़ें आप याद कर लोगे तो आपका जी सेल्फिश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वे गेट आउट सेल्फिश कैटेगराइज इनटू टू। पहली बात, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्रस्टेशियंस और मोलस्क्स। ठीक है, क्रस्टेशियंस क्या होता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे, दिस हैव क्रस्ट ऑन टॉप एंड शेल्स। ठीक है, विच एक्ट एज एन आर्मर। ठीक है, और उसके कुछ फाइव डिफरेंट क्लासेस होते हैं। मोस्ट लिविंग स्पीसीज ऑफ क्रस्टेशियन फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग फाइव क्लासेस। ठीक है, रैमिपीडिया, सिफलोकॉर्डिया, ब्रांचियोपोडा, मैक्सिलोपोडा एंड ये है मालाकोस्ट्रियस। ठीक है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एज अ नॉलेज शेयर के लिए मैंने यहाँ पे फाइव क्लासेस बता दिया कि क्रस्टेशियंस के अंदर में भी फाइव क्लासेस आते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेट्स फिगर अबाउट द मेन शेलफिश कि होता क्या है। शेलफिश हैव अ पिगमेंट कॉल्ड एस्टाक्सांथिन। ठीक है, विच मीन्स व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेक्ट टू हीट इट टर्न्स इनटू अ कोरल रेड कलर विच इज मच डिजायरेबल ऑन शेलफिश। शेलफिश में एक पिगमेंट होता है जो कि एस्टाक्सांथिन। ठीक है, विच मीन्स जब भी वो कॉन्टेक्ट में आता है, मतलब हीट मीन्स कुकिंग प्रोसेस में होता है, इन टर्न कोरल रेड कलर। ठीक है, विच मीन्स द डिजायरेबल फॉर द शेलफिश, एक डिजायर कलर होता है शेलफिश के लिए। व्हेन इट कम्स टू द हीट कॉन्टैक्ट इट विल बी टर्न इनटू रेड कोरल कलर। ठीक है, सो अब देखते हैं कि जो क्रस्टेशियंस के अंदर में कौन सा आते हैं। राइट, कॉमन क्रस्टेशियंस, हियर वी गो द क्रैब्स, लाइक क्रबे, दिस आर द फ्रेंच नेम। ठीक है, क्रैब्स, क्रबे, क्रॉफिश, लैंगुस्टे, वी हैव अ क्रेफिश, एक्रेवेसिस, स्कैम्पिस। ठीक है, विच इज लैंगुस्टिन, स्कैम्पिस, वी हैव लैंगुस्टिन, नॉर्वे लॉबस्टर। ठीक है, और ये लॉबस्टर जिसको बोलते हैं होमार्ट। ठीक है, यूरोपियन लॉबस्टर। तो ये है कुछ क्रस्टेशियंस। ठीक है, वेरी सिंपल, राइट, क्लियर हो गया होगा आपको कि सबसे ज्यादा शेल इन्हीं में होते हैं, राइट, क्रैब में। मतलब जब एक क्रैब भी होता है तो उसके बॉडी में हर एक जगह में शेल होता है, दैट इज वर्क एज अ आर्म ऑफ अ दैट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोलस्कस के बारे में, ये काफी इंटरेस्टिंग है मोलस्कस। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और है जो क्रस्टेशियंस में आता है, प्रॉन्स और श्रिम्प्स। ठीक है, वे वी कॉल हियर एज क्रेविट्स। ठीक है, मोलस्कस, तो ये मोलस्कस क्या होता है, यूजुअली होल और पार्शियली एनक्लोज्ड इन अ कैल्शियम कार्बोनेट शेल सीक्रेट बाय अ सॉफ्ट मटेरियल कवर्ड विद बॉडी। ठीक है, आर क्लासिफाइड इनटू थ्री अदर सब ग्रुप्स। लेट्स फिगर आउट सब ग्रुप्स। ठीक है, हियर वी हैव द गैस्ट्रोपॉड्स, ये जो तीन है ना ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, बेवल्स, ठीक है, सेफेलोपॉड्स। ठीक है, अब ये तीनों को मैं आपको इजी में बताऊंगा जैसे कि आपको ये इजी में याद हो जाए। ठीक है, गैस्ट्रोपॉड्स क्या होता है, कॉमन गैस्ट्रोपॉड्स में सिंगल शेल, दिस आर फ्रेंच नेम्स। ठीक है, दिस आर द फ्रेंच नेम्स ऑफ दिस। ठीक है, अल्बेलोनिस, अल्बेलोने। ठीक है, स्नेल्स, एस्कारगोट, कंचिस, एस्कारदमेर, विल्स, एस्कारदमेर। ठीक है, यहाँ पे आप देखना गैस्ट्रोपॉड में जो लिखा हुआ सिंगल शेल, अब ये तो छोड़ दो, ये दोनों तो आपको पता होगा। ठीक है, स्नेल में जानते हो आप एक ही होता है उसका जो शेल होता है, स्नेल का जो शेल होता है वो एक ही होता है, राइट, टॉप में होता है और उसके अंदर में दैट इज लाइक वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर काइंड ऑफ अ फ्लैश, राइट, स्नेल। सो ये जो होता है गैस्ट्रोपॉड में सिर्फ सिंगल शेल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं बेबल्स में टू शेल। ठीक है, बाई, ये बाई याद रखना, बी बी आई, बाई मतलब टू शेल्स होते हैं। ठीक है, ए पहला फर्स्ट है, बी होता है सेकेंड है। ठीक है, तो बी किस में आता, सेकेंड में आता, तो टू शेल्स इसमें आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्लम्प्स, वे हैव कॉकलिस, मसल्स, ऑयस्टर, स्कैलप्स। ठीक है, उसके फ्रेंच नेम्स यहाँ पे लार्दे, ईट एंड ड्रॉ, क्लम्प्स, ईट एंड ड्रॉ। ठीक है, बुकॉर्दस, मोले, मोले, होइत्रे, क्यूले, सेंट, जैक्यूज। ठीक है, कोलेसेंस, एक्यूज, सेफेलोपॉड। सेफेलोपॉड में क्या होता है, नो शेल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेलफिश दैट हैव लेग्स ओवर देयर हेड्स बट दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल शेल। ठीक है, इनमें शेल्स नहीं होते हैं। सो हियर वी गो स्क्विड, यू नो स्क्विड कॉल कालामारी, राइट, हियर वी गो कैटलफिश एंड ऑक्टोपस, ये तो आप समझ गए होंगे, स्क्विड ऑक्टोपस, राइट, दे डोंट हैव शेल, दे हैव द बल्क काइंड ऑफ अ हेड एंड द रेस्ट दे हैव द लेग्स, सो मल्टी लेग्स यू कैन से हियर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लेग्स में काउंट होते हैं यहाँ पे, तो सेफेलोपॉड्स में
जो सबसे ज्यादा लेग्स होते हैं ना वो सेफलोपॉड्स में आते हैं, ठीक है, एंड दोज आर लाइक स्पंजी मटेरियल, ठीक है, स्पंजी मटेरियल, ठीक। तो इसमें ज्यादा थोड़ा बहुत जो है स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, बट ध्यान रखना ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, और आप इसको याद कर लेना, क्रस्टेशंस याद कर लेना, ठीक है। तो क्रस्टेशंस में एक सिंपल सा बताऊं आपको, क्रस्टेशंस में आएंगे आपके क्रैब्स वगैरह, जो सबसे ज्यादा मसल्स होंगे उसके ऊपर में, ठीक है, जो सेलफिश में सबसे ज्यादा मसल्स होगा उनको हम क्रस्टेशंस बोलेंगे, और मोलस्क्स में आ जाएगा तीन, गैस्ट्रोपॉड, बेबल्स, ठीक है, और एक है सेफलोपॉड, ठीक है। तो ये जो तीन है इसमें सिंगल शेल, डबल शेल, एक में शेल नहीं है, बस इतना याद रखना आपका सेल्फिश में काफी है, ठीक है, एज अ शेफ इफ यू रिमेम्बर दिस ऑल थिंग्स ना काफी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल्फिश के बारे में, अब उसके पढ़ेंगे कुकिंग टेक्निक्स, ठीक है। सेल्फिश इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है, कुकिंग मेथड ठीक से नहीं हुआ तो इट विल बी लाइक अ चुई एंड रबरी, आई होप यू ऑल हैव टेस्टेड, दे नो वेरी वेल। सौते, ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग, पोचिंग, स्मोक और क्यूरिंग, रोस्टिंग एंड स्लो रोस्टिंग, स्टीमिंग, ऑलिव ऑयल पोचिंग, ठीक है, दिस आर सम कुकिंग मेथड्स दैट द टॉप शेफ्स जनरली यूज। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कुकिंग सेल्फिश। कॉमन वे टू कुक सेल्फिश इज द मॉइस्ट हीट एंड इन लो टेम्परेचर। देखो ऐसा है कि मॉइस्ट हीट तो जरूरी है, क्योंकि इफ इट कम्स टू डायरेक्ट हीट तो वो बहुत ज्यादा आपका स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब तुरंत जो है सेल्फिश का मॉइस्चर चले जाएगा, ठीक है, एंड इट हैज वेरी लेस मॉइस्चर एक्चुअली, क्योंकि काफी लीन बॉडी होता है, राइट। ऑयल सेल्फिश आप वेरी लीन, ठीक है जी, बहुत ज्यादा लीन होता है क्योंकि उसमें ज्यादा मसल्स नहीं होते हैं और बोन्स नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली इट्स कंप्लीटली काइंड ऑफ अ फ्लैश। सो हियर वी गो, ड्राई हीट, हाई हीट एंड द लॉन्ग कुकिंग टाइम विल मेक देम टफ एंड रबरी। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि ज्यादा टाइम तक हम सब कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल गेट टफ एंड रबरी, ठीक है। आई थिंक सो फॉर बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी द श्रिम्प्स, इफ यू कुक मोर इट विल बी वेरी रबरी एंड व्हेन यू ईट इट इट वॉन्ट मेक यू फील लाइक यू ईटिंग सम सेल्फिश बिकॉज ऑफ द कुकिंग मेथड, ठीक है। सो राइट कुकिंग मेथड इज इम्पॉर्टेंट। ब्रॉयलिंग, बॉयलिंग, ब्रॉयलिंग, स्टीमिंग एंड बेकिंग विल बी द बेस्ट फॉर कुकिंग मेथड, राइट, फॉर द सेल्फिश। वेल कंप्लीटली बोलूंगा नहीं कि पूरा बेस्ट है, बट या देर आर मेनी कुकिंग मेथड एक्चुअली शेफ्स यूज, एंड डिपेंड करता है कि कौन सा कुकिंग मेथड में बेस्ट होगा, ठीक है। तो डोंट कंसिडर एज अ बेस्ट दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये था कुकिंग मेथड सी फूड का और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये जैसे, ठीक है, और ध्यान रखिएगा क्रस्टेशियंस, मोलस्कस, ठीक है। इसका जो मेन है ना क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फिश है ना, वो मेन आपका है कि आप उसका क्रस्टेशियंस समझ जाओ किसके अंडर में आते हैं, और मोलस्कस में जो तीन होते हैं वो आगे आते हैं, और उनका कुकिंग मेथड, क्योंकि कुकिंग मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके अलग अलग होते हैं शेफ के, सो कौन सा बेस्ट होगा वो मैटर करता है, ठीक है। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।